इंडिया और पाकिस्तान का विश्व कप में मुकाबला, ये है मैच 12 अहमदाबाद में, जो 15 का होना था पर अब 14 का हो रहा है। जब भी हो हम तो देखने आएंगे, जरूर देखने आएंगे। और एक और चीज जो देखने को मिली है वो है शुभमन गिल अपने होम ग्राउंड पे प्रैक्टिस कर रहे थे, होम ग्राउंड आपका भी होम ग्राउंड अहमदाबाद में, नेट्स में थे एक घंटे के लिए वो। अब ऑब्वियसली ये सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा विषय जो है डिस्कशन का, ये एक होगा कि शुभमन गिल फिट हैं या नहीं वापस आने के लिए। पर वीरू मेरा सवाल आपसे ये है, ईशान किशन ने अच्छा किया पिछले मैच में, जोड़ी ने भी अच्छा किया, अब अगर शुभमन गिल फिट होते हैं अगले मैच के लिए तो आप क्या करेंगे, उनको वापस लाएंगे या कंटिन्यू करेंगे सेम 11 के साथ? आई थिंक अगर वो फिट है और वो कह रहे हैं कि मैं खेल सकता हूँ तो कोई डाउट नहीं है, ओके शुभमन गिल को खेलना चाहिए, क्योंकि वो पहले प्रेफरेंस थे इस टीम की। अगर उनको डेंगू नहीं हुआ होता या बुखार नहीं हुआ होता तो फिर ईशान किशन आपको शायद खेलते हुए नज़र नहीं आते, शुभमन गिल खेलते हुए नज़र आते। तो अब अगर शुभमन गिल फिट हो गए हैं तो शायद मुझे लगता है कि उन्हीं को मौका देना चाहिए। या पर ये हाई प्रेशर गेम, चलिए हाई प्रेशर गेम तो आजकल के खिलाड़ियों के लिए इतनी बड़ी बात नहीं होती, पर डेंगू से अब उठ के आए हैं, काफ़ी शरीर पर ये ड्रेन करता है, उसके बाद बैटिंग तो ठीक है पर 50 ओवर की फील्डिंग, ये सब चीज़ें भी जरूर दिमाग में जहन में चल रही होंगी। बिल्कुल चलनी भी चाहिए। और देखिए विश्व कप का एक लंबा टूर्नामेंट है, पर शुभमन गिल और कोई भी नौजवान खिलाड़ी सब वर्ल्ड कप खेलना चाहते हैं और उनका पहला विश्व कप है, तो जोश में तो जरूर रहेंगे। पर जैसा आपने कहा कि डेंगू जैसी बीमारी से अगर आए हैं तो अभी लंबा सोचें कि अगर फिट हैं तो जरूर खेलें, उसमें कोई डाउट नहीं है। पर अगर कहीं पर भी ऐसा लगा और यहाँ पर T20 भी नहीं, आपने जैसा कहा 50 ओवर फील्डिंग भी करनी है, तो इसके बाद भी 6 मुकाबले हैं और 5 दिन का ब्रेक है बिल्कुल, तो सोच समझ के जो भी डिसीजन ले सोच समझ के लें कि मेन नथिंग टू डू विद कि रन कितने बनाए हैं, मेन चीज़ होगी 50 ओवर फील्डिंग भी। और अगर आपने पहले बल्लेबाजी करी रन बनाए या पहले फील्डिंग करी और फिर बल्लेबाजी या फिर रन, तो सोचिए आप किस तरीके क्या आप वो आपकी बॉडी वो ले सकती है, वो पर अब आपके साथ फिजियो है ट्रेनर है डॉक्टर है वो उनकी कॉल है। पर इसमें कोई डाउट नहीं, जैसे वीरू ने कहा मैं इनसे बिल्कुल सहमत हूँ कि अगर शुभमन गिल फिट हैं और वो कहते हैं कि भाई मैं खेलने को तैयार हूँ तो और फिजी और डॉक्टर का गो हेड है, तो आई एम श्योर कि ओके ईशान किशन से पहले उनकी बिल्कुल जगह बनती है उसमें। बिल्कुल, क्योंकि इतने महीनों से चलते वो ही प्लान ए है रोहित शर्मा और शुभमन गिल, तो अभी प्लान बी से काम चल रहा है और बढ़िया काम चल रहा है, पर जब प्लान ए रेडी है तो आप वापस प्लान ए पर आइए। पर अब हम बात करते हैं दूसरी जो डिस्कशन पॉइंट है इंडिया की 11 में। पिछले मैच में अश्विन को छोड़ा गया था और शार्दुल ठाकुर को लाए थे उनकी जगह, तो अब वीरू आपके हिसाब से भारत क्या करेगी, क्या 3 स्पिनर के साथ जाएगी इस मैच में? मुझे लगता नहीं, नहीं। 2 स्पिनर के साथ ही उतरेगी और मैं उसमें एक बदलाव और चाहता हूं, मोहम्मद शामी का प्लेइंग 11 में। ओके, तो किसकी जगह, शार्दुल की सिराज की? शार्दुल ठाकुर की जगह है, चाहे वो मोहम्मद सिराज की जगह, वो टॉस कर लें, जो जीत जाए वो घुस जाए अंदर, वो घुस जाए अंदर। जैसे आज भी शायद टॉस हुआ होगा रवाड़ा और एंगिडी के बीच, कौन पहला ओवर डालेगा या कौन नई बॉल डालेगा, तो एंगिडी जीत गए। मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा पेस ज़रूरी है, क्योंकि पाकिस्तानी बल्लेबाज भी स्पिन भी उतनी बेहतर खेलते हैं जितने हम खेलते हैं, शायद हमसे ज़्यादा बेहतर खेलते हैं, तो इस वजह से 3 स्पिनर की जगह मुझे ऐसा लगता है 2। और अब शमी का तो ये होम ग्राउंड भी है जी, अहमदाबाद में खेल रहे हैं, काफ़ी खेले हैं, कोच साहब उनके यहाँ पे बैठे हैं, तो अब आपसे क्या बुलवाएं हम, अब तो मतलब शमी अहमदाबाद में कैसा करते हैं ये तो हम सभी जानते हैं, अब इसके बारे में क्या किया अहमदाबाद में, क्या देखिए वो तो जब भी खेले उन्होंने अच्छा ही किया है, अगर पिछले विश्व कप तो खैर बहुत पुरानी बात है, पर उसके बाद भी जब से वनडे में आए हैं और आप उनको वापस भी वनडे में इसीलिए लेके आए, एक समय तक 1.5 साल पहले तो शायद ये भी सोचती कि शायद ये वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे भारत में, पर उन्होंने गेंदबाजी इतनी अच्छी करी। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि आप ये लाल मिट्टी की पिच पर खेलते हैं काली मिट्टी पर खेलते हैं, कि आप रविचंद्र काली मिट्टी पे अगर खेल रहे हैं तो गुड चांस है रविचंद्र अश्विन के साथ जाएं, और अगर उनके साथ नहीं जाएंगे तो शार्दुल ठाकुर के साथ जाएं, अनलेस आप सिराज की जगह शामी को खिला रहे हैं। पर अगर लाल मिट्टी की पिच है तो आप सिराज बुमराह और शामी के साथ आपको जाना चाहिए, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। कि मैं तो पहले दिन से बोल रहा हूँ कि वहाँ पर नंबर 8 की जो बल्लेबाजी आज जिस तरीके की पिच है कि नंबर 8 पे अभी जब तक वो आए तब तक तो मतलब 6 नहीं तो अगर 4 भी आउट है तो मुश्किल है उस समय, इतना आसान नहीं। और जिस तरीके की उनके पास कला है जो उनका टैलेंट है तो उनको जरूर यूज़ करने को देखना चाहिए। 70 पे 6 हो गए थे तो जब तक आप आए तब तक तो रायता पूरी तरह से फैल चुका है, थाली से बाहर गिर चुका है, तो क्या उखाड़ लेंगे वहाँ पे। तो ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि भारत कौन से 11 के साथ जाएगी। तो चलिए भाई बॉलिंग का चलो हम गैस ही कर लेते हैं ना, देखेंगे फिर क्या होता है परसों, आपके हिसाब से क्या होगा? 7 तक तो हमें पता है रविंद्र जडेजा है, आगे 8, 9, 10, 11 कुलदीप, ओके और उसके बाद बुमराह सिराज और शामी। Nice, I like, आप बिल्कुल इन हो,
बिल्कुल लेने, जैसे मैंने बोला कि पिच कौन सी भी खेलते हैं, क्योंकि वो भारतीय टीम मैनेजमेंट की ये सोच है, कप्तान वहाँ पे कितने स्क्वायर पे बड़ी सारी हैं, काली भी हैं, लाल भी हैं, कोई आधी रेड में है, रेड में थोड़ी कोई 20% ब्लैक सॉइल है, क्योंकि एक पिछले एक दो साल से मैं सुना, मतलब मैं तो पिच का डॉक्टर नहीं हूँ, पर वहाँ जो पिच के डॉक्टर हैं उन्होंने जो जो मुझे बताया कि भाई ये जो लाल मिट्टी है पूरी लाल नहीं है, उसमें कुछ काली भी मिक्स है, उसमें कोई उड़ीसा की ब्लैक सॉइल मिक्स है और कोई अहमदाबाद की ब्लैक सॉइल मिक्स है। हाँ जी बिल्कुल, जितने लोग होंगे ग्राउंड में ज्यादा 1,00,000 से भी ज्यादा, तो पिच भी उसी प्रकार से वहाँ पे बनाई गई है। नाइस, तो बेसिकली स्क्वायर पे इंद्रधनुष है, पता नहीं कौन सा रंग चुनेंगे कल या परसों, तो उस पे देखेंगे। पाकिस्तान की टीम पे आते हैं, पाकिस्तान की टीम भी काफी हाई पर आ रही है, यहाँ पर हाई इंग्लिश वाला, हिंदी वाला नहीं, इंग्लिश वाला हाई पे आ रही है, क्योंकि एक रिकॉर्ड स्कोर चेज किया इन्होंने अपने पिछले मैच में। रिजवान जो है उन्हें दो अवार्ड मिले, एक तो मैन ऑफ द मैच मिला उनको अपनी बैटिंग के लिए, और एक सुना के ऑस्कर अवार्ड भी मिला उनको उनकी एक्टिंग के लिए। मजाक कर रहा हूँ यार, मीम देखा था हमने भी, भाई रख दो फोन नीचे, रख दो, नहीं नहीं रख दो रख दो, ट्वीट मत करो, मजाक करो। उन्होंने खुद भी बोला था कि थोड़ी सी मैंने एक्टिंग भी करी थी, खुद बोला था उन्होंने साइमन डूल को मैच के बाद तो, पर बैटिंग उन्होंने बहुत बढ़िया करी थी, एक्टिंग चाहे जितनी भी कर ले, बैटिंग बहुत बढ़िया करी थी उन्होंने, और यही देखना चाहेगी पाकिस्तान की टीम उनसे भी, पर स्पिनरों से थोड़ा ज़्यादा चाहेगी। बिल्कुल, जो एक कमज़ोर कड़ी लग नज़र आती है उनकी, वो स्पिनर ही आती है, क्योंकि नवाज़ भी उतनी बॉल स्पिन नहीं कर पाते, शादाब खान जो वो भी उतने इम्पैक्टफुल नज़र नहीं आते हैं, तो वो एक डिपार्टमेंट है जिसमें चाहेंगे बाबर आजम की उनके स्पिनर बेहतर गेंदबाजी करे, दबाव बना के रखें भारतीय बल्लेबाज पर, जो कि मुश्किल होगा उनके लिए, क्योंकि दबाव तो उनके ऊपर भी है ना, 1,00,000 से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे ग्राउंड में, वो जब हल्ला मचाएंगे तो फिर मुश्किल होगी पाकिस्तानी गेंदबाजों के, लेकिन जो उनके तेज़ गेंदबाज हैं वो बेहतर हैं, वो बेहतरीन गेंदबाजी करते हैं, तो वो अगर पड़ाव पार कर लिया भारतीय बल्लेबाजों ने, फिर तो बल्ले बल्ले ये आपको, मतलब अब हम यहाँ पे कर रहे हैं शो और मतलब पूछना कि कौन ज्यादा गति मात्रा लेकर आता है इस मैच में, ये तो एनीवे ये तो पार्थिव पटेल आके बताएंगे, ये तो पार्थिव पटेल डिपार्टमेंट उनका है, ये डिपार्टमेंट उनका गति मात्रा जो है वो डिपार्टमेंट उनका, क्योंकि उनकी गति बड़ी तेज है। वो तो सही बात है, फिट करके रोड रनर की तरह पी पी पी। पर दोनों जो इट्स फेयर टू से कि दोनों जो टीमें हैं काफी एक इंग्लिश वाले हाई पे आ रही है इस मैच में। नहीं देखिए, नो डाउट पाकिस्तान ने जो रिकॉर्ड चेज किया है रन, वो कॉन्फिडेंस देगा उन्हें, जब वो भारत के खिलाफ खेलेंगे तो तब भी कॉन्फिडेंस लेकर आ रहे हैं वो, ऐसा नहीं है। बट ये है कि इस मुकाबले में आप जितनी मर्जी मैचेस जीत के आओ, जब यहाँ के पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है तब सिर्फ एक ही चीज़ है कि कौन प्रेशर बेहतर हैंडल कर सकता है, जो टीम प्रेशर बेहतर हैंडल कर सकती है वो टीम जीतने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। 7-0 का तो रिकॉर्ड है यहाँ पर, तो टीम भी चाहेगी कि मतलब इंडिया के सारे फैन भी चाहेंगे कि 8-0 हो जाए, कि 8-0 हो जाए। नहीं ये तो देखिए एक आंकड़ा है कि अगर आप 92, 96, 99 उस समय वो तीन विश्व कप के जो मैच हैं उसके अलावा अगर आप सारे मैच उठाएंगे तो शायद पाकिस्तान भारत से थोड़े ज़्यादा मैच जीते होंगे भारत पाकिस्तान ने। टीम बहुत अच्छी थी, अभी भी ऐसे नहीं कि टीम अच्छी नहीं है, पर ओवरऑल अगर आप बात करें तो जैसा वीरू ने कहा ना कि ये इस तरीके का मुकाबला होता है कि अभी तो दोनों दो दो मुकाबले जीत के आ रही हैं, पर आप जीत के आ रहे हो हार के आ रहे हो, ये अगर आपका 8वां मुकाबला भी, एक टीम क्वालिफाई कर चुकी है एक नहीं कर चुकी और सब कॉन्टिनेंट में हो रहा है और यहाँ पे भारत में हो रहा है और ऐसे ग्राउंड पे, तो वहाँ पे तो जब मैच स्टार्ट होता है ना, तो अगर आपके किसी भी मुकाबले में 3 ओवर 4 ओवर लगते हैं, किसी को 5 लगते हैं या जितने भी जो आपको लगते हैं टाइम, उससे शायद थोड़ा सा ना ज़्यादा टाइम लगता है सेटल होने के लिए। तो जो बेहतर टीम जल्दी सेटल होती है, काम रहती है और मैच है, जब फंसता है, मैं तब की बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो एक अलग बात है, जब नॉर्मल जब भी गेम स्टार्ट भी होता है और यहाँ पे इस क्राउड के साथ, ये बात पक्की है कि पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा दबाव जरूर रहेगा, क्योंकि 1,20,000 लोग जब वहाँ पे होंगे और उसमें कितने पाकिस्तानी लोग क्राउड आ रहा है, उम्मीद करता हूँ कि जितने भी वीजे लगे हैं, पर फिर भी पाकिस्तानी फैन उसमें 1,20,000 में कितने होंगे आप बताओ, एक क्यों, कोई 5 एक्चुअली सपोर्ट स्टाफ, अच्छा तो कोई वीजा नहीं, कोई भी नहीं आ रहा, तो आप हिसाब लगा सकते हैं, तो और ज्यादा दबाव, और वहां पे अगर आप चाहे पहले गेंदबाजी करें, अगर पाकिस्तान टीम की बात करें, पहले बल्लेबाजी करें, कुछ भी आप करें और वहाँ पे आपकी शुरुआत अच्छी ना हो, तो फिर वहाँ से रिकवर होने के लिए ना, कि आपको एक जो ग्राउंड की परफॉर्मेंस है वो तो है, मेन जो काम होता है वो मानसिकता है, कि आप कितना वहाँ पे रेडी हैं।